हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो भाई उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज यार फाइनली काम है। तो भाई दो दिन से कोई ना ब्लॉग शूट हो रहा था ना कुछ भी नहीं यार। भाई पिछला एक ब्लॉग पेंडिंग पड़ा हुआ था, वही अपलोड किया है। तो यार तीन दिन से बस ऐसे ही बर्बाद हो रखे थे, तीसरा दिन है आज। तो भाई कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ एक गड़बड़ हो रखी है। तो गड़बड़ ऐसी है, ये आप देखो जो मेरा माइक है भाई, बोया का माइक लिया था मैंने और ये खराब हो गया है। तो भाई इससे आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो भाई मेरे फोन की आपको पता है कि साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब बहुत कम आवाज आती है। तो अभी आपको यार आवाज मेरी फिर से कम आ रही होगी, तो भाई उसके लिए सॉरी कि भाई आवाज की दिक्कत हो रही है यार। अब फिलहाल मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। तो हमारे जो लोकल मार्केट है यहाँ पे भाई ये माइक अवेलेबल भी नहीं होगा। तो भाई ऑनलाइन मंगाऊंगा तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो यार 3 से 4 दिन बिना व्लॉग शूट किए मैं तो रह नहीं सकता। तो भाई चलो कोई नहीं, अभी कर लो यार एडजस्ट। थोड़ी सी अगर कम आवाज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं यार, अपने भाई के लिए इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। यहाँ देखो अभी हम पहुंच गए हैं मशीन पे। तो भाई यहाँ से अभी जो खाली क्रेटे लगी है तो भाई ये लोड करनी है, क्रेट डालना है भाई, क्रेट डालना है, आ जाओ। तो भाई क्रेट यहाँ से डालना है और यहाँ से निकलना है भाई। तो यार दोस्तों फिलहाल जो गाड़ी है मैं लोड करके तो आ गया हूँ यार अच्छे से। आज भाई क्रेटे भी थोड़ी ज्यादा डाली है, तो आज इसमें है 6, 3, 18, 180 क्रेट्स, यानी कि मतलब 200 क्रेट है यार। 180 क्यों है, खाली क्रेट है 200, तो 200 आ गई थी। तो आज मैंने डाले पे भी कुछ क्रेटे लगाई है पीछे। यहाँ देखो यार पूरे भाई रोलर को लोड कर रहे हैं भाई। तो देखो इतने बड़े रोलर को यार इतने छोटे ट्रेलर पे भाई किस तरह से लोड कर रहे हैं यार। लो भाई बारिश भी शुरू हो चुकी है और गाड़ी पे तिरपाल भी नहीं चढ़ाया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो यार गाड़ी गीली तो वैसे भी होनी है भाई, ऐसी बारिश में अभी तिरपाल भी मैं चढ़ा नहीं सकता हूँ। तो गाइज यार फाइनली हम जहाँ हमने मतलब जाना था वहाँ लगभग पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से बस मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, वो वाली रोड आपको दिख रही होगी यहाँ सामने, ये वाली रोड एक कच्ची सी रोड है। तो भाई वहाँ से आगे मुझे जाना है, तो ये लास्ट गांव है यहाँ पे। यहाँ से आगे कोई अभी गांव भी नहीं है, हेजिटेशन टाइप की हो जाती है ना यार अगर कोई बैठ जाता है अननोन, तो थोड़ा बहुत अभी हो जाता है। तो अभी इतना ज्यादा हुए नहीं, हम प्रो इतने ज्यादा प्रो नहीं है, तो देखते हैं धीरे धीरे हो जाएगा ये भी। तो अभी फिलहाल भाई ऐसी जगह है क्या बताएं, पूरे खतरनाक चढ़ाई वाली रोड है। और भाई उम्मीद है कि पीछे से मेरे कोई सामान ना गिर रहा हो। तो मैं आपको सामने यहाँ दिखाता हूँ यार, मौसम देखो आप कितना ज्यादा भयानक हो रहा है भाई। तो यार यहाँ आप देखो क्लियर भाई मौसम, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना, मिनट मैं शीशा खोल देता हूँ गाड़ी का। ये आप देखो भाई हो जा, हाँ यहाँ आप देखो भाई इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना उस साइड, भाई खतरनाक ही बारिश हो रही है। यहाँ से आप मौसम देखो भाई एक बार, क्या खतरनाक मौसम हो रहा है फिलहाल। और इधर भाई ये गांव है जो जहाँ से अभी मैं निकल के आया हूँ। तो भाई फोन बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है, भैया अच्छे हैं, इन्होंने ही बैक कर ली गाड़ी। तो बस थोड़े ही पीछे जाके पास भी है, तो भैया ने गाड़ी बैक कर ली थी और अभी अपने यहाँ पे ये रोड कुछ ज्यादा ही तंग है ना यार, तो यहाँ पे पास देने की दिक्कत रहती है इस रोड पे। तो फिलहाल छोटी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, कोई ट्रक या बस आ गया, तो भाई इसमें बहुत कम जगह है यहाँ पे कि भाई गाड़ी को जगह दे दी जाए। मशीन दिख रही है ना आपको यार, ये ना बहुत टाइम से इधर ही पड़ी हुई है। देखो आप इसके जो शीशे वगैरह है भाई सारे तोड़ रखे है वहां पे, और भाई ये मैं 2 सालों से यही देख रहा हूँ, 2 साल से ये मशीन यही पड़ी है इसी रोड पे। तो भाई ये बिल्कुल खत्म ही है एक तरह से। ये है भाई जेसीबी, देखो आप अभी तक रोड का काम चल रहा था और अभी ये हमें साइड देने के लिए थोड़ी इन्होंने गाड़ी साइड कर ली है, और उसके बाद सीधे ही हम तो निकले भैया।
हाँ घास वाले का। गाड़ी गिल्ला है क्या नीचे? नहीं गाड़ी तो बच गया यार, गाड़ी तो बच गया था। अभी अब तुम्हारा क्रेट पता नहीं कब तक आता है, वो तब तक गिल्ला हो जाएगा ना, फिर और क्या फायदा इसको। ये तो आ गया तुम्हारा, तरा जाए इसको यार। ओ भाई तो देखो यहाँ पे मौसम, भाई कितनी अच्छी जगह है यार, एकदम से खतरनाक पीसफुल। और इधर देखो अपनी गाड़ी हो रही है अनलोड, पूरे गाड़ी तो साफ ही है फिलहाल। तो यार फिलहाल अपनी गाड़ी में अभी देखो आप, मैंने जाला तो चढ़ा दिया है अच्छे से, और वैसे गाड़ी थोड़ी बहुत गीली भी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बारिश तो फिर से वैसे ही आ गई भाई, वो देखो पूरी उधर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक बारिश आने लगी। तो फ्रेंड्स यार भाई यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है ना, मैं बता नहीं सकता आपको यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। शाम का टाइम है और ठंड इतनी ज्यादा है ना भाई, कान बंद भाई पूरे। मैं तो ये देखो कैप्री, ऐसे कैप्री पहन के आ रखा हूँ, और भाई पूरी आधी बाजू की टी शर्ट, ये देखो भाई आप पूरे रोए देखो एक बार, तो भाई रोंगटे खड़े हो गए भाई, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है ना यहाँ पे, बारिश लगने के बाद ना अभी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो यार अभी फाइनली अपनी गाड़ी हो रही है लोड, आप देखो अभी बड़ी मुश्किल से यार बारिश रुकी है तो गाड़ी लोड हो रही है, अभी फटाफट से लोड कर रहे हैं और अब सीधे ही इसके बाद निकलते यार घर को। तो यार डर तो मेरे को सिर्फ एक ही बात का है इस रोड पे यार, देखो रोड इतनी ज्यादा तंग है, बिल्कुल एकदम फिटो फिट। तो यार इस रोड पे अभी बस भी आने वाली है, तो आप सोचो यार अगर बस आ गई तो भाई मेरे पे लोड भी बहुत ज्यादा है भाई, 110 क्रेट डाली है आज भाई, आज तक हमने जहां से भी डाली है 100 और 90 ही डाली है, तो आज 110 है। तो अगर गलती से बस आ गई तो भाई लेने के देने हो जाएंगे भाई, अभी गाड़ी बैक भी नहीं होगी अपनी। तो गाइस यार अभी फाइनली जो मशीन है वहां पे हम पहुंचने वाले हैं, तो फिलहाल तो मुझे गाड़ी अभी जल्दी से अनलोड करवानी है। रात देखो आप कितनी ज्यादा हो गई यार, मैं दिन में गया था यहाँ से 2 बजे, और खुद सोचो आप अभी 8 बजने वाले हैं लगभग, तो भाई कितना ज्यादा टाइम हो गया यार इतने से काम के लिए, आज बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि बारिश ने सारा काम खराब कर रखा था ना इसी वजह से। तो गाइस यार अभी हम पहुंचे हैं अपने गांव की जो हमारी पार्किंग है वहां पे, तो भाई इधर एक गाड़ी लग रही है। गाइस यार फाइनली अभी मैं घर में पहुंच चुका हूँ, घर पे क्या मतलब रोड पे जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग में, वहां पहुंच चुका हूँ। तो भाई अब जाना है सीधे घर को, नहा धो के खाना खा के रेस्ट करना है, और सुबह भाई 7 बजे फिर से निकलना है, वहीं जहां से अभी क्रेट लेके आए ना वहीं जाना है। तो यार अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर से करें हमारे चैनल को। अगर आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार जो बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस करें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।